वेलकम यू अवेकनिंग क्लासेज इकोनॉमिक्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेइजेशन है जिन ऑर्गेइजेशन का इंडिया पार्ट है उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे तो ये सब स्टार्ट होता है नाइनटीन फोर्टी फोर ब्रेटनवुड कॉन्फ्रेंस के साथ नाइनटीन फोर्टी फोर में ब्रेटनवुड में एक कॉन्फ्रेंस होती है ब्रेटनवुड इज इन न्यू हेम्सफायर यूएसए ये कॉन्फ्रेंस किस लिए होती है पहले आपको इसका रीजन पता होना चाहिए नाइनटीन थर्टी नाइन से आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डेवलप्ड नेशन हो एज वेल एज डेवलपिंग नेशन हो या लीज डेवलप्ड नेशन हो सबकी इकोनॉमी बुरी तरह से हैम्पर होती है तो इकोनॉमिक कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस खड़ा करने के लिए ये कॉन्फ्रेंस की जाती है और इस कॉन्फ्रेंस के आउटकम में तीन चीजें निकल के आती हैं सबसे पहली चीज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जिसको वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं सेकेंड थिंग इज इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड थर्ड थिंग जो प्रपोज की जाती है इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बट ये पिक्चर में नहीं आती है क्योंकि अमेरिका इसको अपोज करता है इसकी जगह एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है जी ए टी टी जिसका नाम है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ यही बाद में जाके वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जिसको आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे तो इतना आपको समझ आ गया कि 1944 में ब्रेटन में में कॉन्फ्रेंस होती है हो, और तीन इंपॉर्टेंट वहां पर चीजें निकल कर आती हैं वर्ल्ड बैंक आईएमएफ और जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो 1994 में जाकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर को हम वर्ल्ड बैंक से ही स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को ट्विन सिस्टर भी कहते हैं ये एक फैक्ट आप एग्जाम के लिए याद रख सकते हो वर्ल्ड बैंक में टोटल कितने मेंबर्स हैं वन मेंबर कंट्रीज हैं जो वर्ल्ड बैंक का पार्ट है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है फंक्शन क्या है वर्ल्ड बैंक के देखो सबसे पहला फंक्शन है लोन्स प्रोवाइड करना ताकि कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर पाए उसके लिए लोन प्रोवाइड करना पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी मेन फंक्शन है वर्ल्ड बैंक का आपको पता है वर्ल्ड बैंक बहुत सारे इनिशिएटिव लेता है पॉवर्टी को कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना डिफरेंट नेशन में इन्वेस्टमेंट को इंप्रूव करना उसका भी काम किसका है वर्ल्ड बैंक का है और अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट होता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी किसका है वर्ल्ड बैंक का है तो आपको पहले इसके फंक्शन पता होने चाहिए अब वर्ल्ड बैंक के अंदर ही बहुत सारे पार्ट्स हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक के अंदर उन सभी ऑर्गेनाइजेशन को हम कवर करेंगे एक एक लाइन में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि उस ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है आई इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन का काम क्या है जितने भी प्राइवेट इंडस्ट्रीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं मेंबर कंट्रीज के बीच में उन सब में ट्रेड को प्रमोट करना उनको लोन प्रोवाइड करना तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन आपको याद रखना नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इसको सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं ध्यान से याद रखना सॉफ्ट लोन विंडो भी कहते हैं किसकी वर्ल्ड बैंक की इसका काम है जितने भी पुअर नेशन है पुअर कंट्रीज हैं उनको फ्री में लोन प्रोवाइड करना मतलब बिना किसी इंटरेस्ट के और लेस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे पुअर कंट्रीज को लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट

देखो जब ये बना था ना जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 की ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में जो कंट्रीज ने पार्ट लिया था उनमें इंडिया भी था तो इंडिया एज अ फाउंडिंग मेंबर है वर्ल्ड uh, बैंक और आईएमएफ का बट इंडिया आईसीएसआईडी का पार्ट नहीं है उसको छोड़ के आई का भी पार्ट है आईडीए का भी पार्ट है अभी हम पढ़ेंगे आगे मीघा का भी पार्ट है और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट का भी पार्ट है बट आईसी का इंडिया पार्ट नहीं है तो आईसीएसआईडी का फंक्शन क्या है ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट को सॉल्व करना नेक्स्ट इज मीगा मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी देखो अब कोई एक कंट्री है जो एक डेवलप्ड नेशन है उसको बोला जाए कि सोमालिया में इन्वेस्ट कर तो क्या वो सोमालिया में इन्वेस्टमेंट करेगी वो कभी नहीं करेगी क्यों उसको पता है कि जो सोमालिया है वहां पर जो उनकी इकोनॉमी है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है उसकी वजह से इकोनॉमी में भी स्टेबिलिटी नहीं है तो इस मीगा का, का काम क्या है कि वो डेवलप्ड नेशन को बताएगा कि कौन सी सेफ प्लेस है गारंटी प्रोवाइड करेगी यहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो मीगा का ये फंक्शन है ये आपको याद रखना नेक्स्ट इज आई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट इसी को बोलते हैं मेनली वर्ल्ड बैंक इसको लैंडिंग आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं इसी का काम है लोन प्रोवाइड करना डिफरेंट मेंबर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड बैंक की उसको लोन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है आई इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई होप वर्ल्ड बैंक के रिलेटेड जितने भी डेटा था और जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो कवर हो गई इससे छोड़ के एक और क्वेश्चन पूछा जाता है रिपोर्ट्स के रिलेटेड देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है या कोई रिपोर्ट दे दी जाएगी कौन पब्लिश करता है तो वर्ल्ड बैंक जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है वो आप याद रखना है दैट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ये आप कहीं पर लिख लो सेकंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट तो आपने मुझे बताना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में इंडिया का रैंक क्या है तो ये इंपॉर्टेंट है इंडिया का रैंक इंप्रूव हुआ है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में तो आपने बताना है कि ये ये इंडिया का कौन सा रैंक है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ये कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक ये आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट भी कौन पब्लिश करता है वर्ल्ड बैंक ही पब्लिश करता है ये भी आपको याद रखना और भी बहुत सी पब्लिश करता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये तीन रिपोर्ट है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट ये चीज आपको याद रखनी है इसके साथ आप ये भी याद रख सकते हो कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर था वर्ल्ड बैंक का बट इंडिया जो है वर्ल्ड बैंक की बाकी सभी आर्म्स का पार्ट है बट आईसीएसआईडी का इंडिया पार्ट नहीं है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन पे मूव करते हैं जो ट्विन सिस्टर है वर्ल्ड बैंक की डेट इज आई एम एफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड फॉर्मेशन इसकी भी ब्रेटरवुड कॉन्फ्रेंस के थ्रू ही हुई है इसमें भी वन एटी नाइन मेंबर्स हैं जो कंट्री आईएमएफ का मेंबर होता है और वो कंट्री क्या होता है वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर होता है ये चीज़ आपको याद रखनी है इसको अगर हम समझना चाहें तो इसमें फंक्शनिंग जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड करी गई है आई की एक इसमें होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी कहते हैं एक होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड और एक होता है मैनेजिंग डायरेक्टर इनमें क्या फर्क है देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है जैसे कोई नई कंट्री की एडमिशन करने हैं मतलब नया कंट्री अगर आना चाहता है आई में तो उसकी एडमिशन के रिलेटेड जो वो, वोटिंग होगी वो कहां पर होगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी होगी जितने भी नेशंस हैं जो 189 एटी नाइन मेंबर कंट्रीज जो इसका पार्ट है उन सबके जो गवर्नर्स हैं या फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होते हैं ये चीज आपको याद रखनी है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का काम होता है डेली वर्क जितना भी आई का डेली वर्क है वो कौन देखता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ही देखता है इसमें कितने मेंबर्स होते हैं ट्वेंटी फोर मेंबर्स ये आपने याद रखना तो है फॉर योर एग्जाम तो ट्वेंटी फोर मेंबर्स होते हैं एग्जीक्यूटिव बोर्ड में उसमें पांच सीट्स जो है वो रिजर्व की जाती हैं जिनका लार्जेस्ट कोटा होता है आईएमएफ में तो आईएमएफ में डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट कोटा है उस कोटे के बेसिस में ही पांच जो लार्जेस्ट कोटा वाले हैं उनकी जो है फिक्स्ड पोजीशन होती है एग्जीक्यूटिव बोर्ड में और एक मैनेजिंग डायरेक्टर होता है जिसका टर्म टेनवर क्या होता है पांच साल पांच साल के लिए वो सिलेक्ट किया जाता है तो आपने अभी कमेंट बॉक्स में यह भी बताना कि एट प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर आई का कौन है ठीक है ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो हेडक्वार्टर की बात करें तो हेडक्वार्टर आई एम का वॉशिंगटन डीसी में ही है फंक्शन क्या है आई के देखो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को प्रमोट करना कोई भी कंट्री जो है वो फाइनेंशियली जो अगर हम बात करें तो फाइनेंशियली वो सिक्योर रहे फाइनेंशियली उसमें प्रॉब्लम ना आए मतलब जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है करेंसी डूब जाती है एक्सटर्नल करेंसी नहीं होती आपके पास तो वो ना आए सर्वेलेंस करना कंट्रीज की कि उनकी इकोनॉमी कैसे चल रही है स्टेबल है या नहीं है कोई भी टेक्निकल हेल्प चाहिए अगर इकॉनमी उनकी अच्छे से नहीं चल रही है तो आईएमएफ के जो मेंबर्स होते हैं दीज आर द एक्सपर्ट वंस तो वो आपको एडवाइस कर सकते हैं फॉर योर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट तो ये कुछ फंक्शंस है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के

तो पांच जो टॉप करेंसीज हैं जिसमें कौन आ जाता है डॉलर आ जाती है यूरो आ जाती है पाउंड आ जाती है येन आ जाती है जैपनीज करेंसी युआन चाइनीज करेंसी आ जाती है ये पांच करेंसीज के वेटेज से आई जो है वो अपनी करेंसी बनाता है जिसका नाम है स्पेशल ड्राइंग राइट और आईएमएफ के किसी भी डिसीजन में वोट करने का हक अकॉर्डिंग टू कोटा होता है कि आपका आईएमएफ में कितना कोटा मीन्स आप कितना पैसा जो है आईएमएफ में दे रहे हैं कोटा बेसिस में आपका वोट ही होता है तो सबसे ज्यादा कोटा किसका होगा यूनाइटेड स्टेट का ही है सेवेंटीन uh, परसेंट के करीब है जापान का साढ़े छह परसेंट के करीब है इंडिया का ढाई परसेंट के करीब जो है कोटा है आई एम एफ में ये आपको याद रखना है ठीक है हाइएस्ट कोटा यूएस में है इंडिया का नियर अबाउट ढाई परसेंट या टू पॉइंट फोर टू पॉइंट फाइव परसेंट के अराउंड ही इंडिया का कोटा है आई एम एफ में ये चीजें आपको याद रखनी है विद रिस्पेक्ट टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन ही वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जी ए टी टी की फॉर्मेशन होती है दैट इज जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टैरिफ इसकी फॉर्मेशन होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन टैरिफ को बाद में 1994 में इसका नाम चेंज करके क्या रखा दिया जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उरुग्वे में कॉन्फ्रेंस होती है जिसको बोलते हैं मराकेश एग्रीमेंट ये आप याद रखना इसको मराकेश एग्रीमेंट कहते हैं इसके तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्मेशन हुई थी तो जीएटीटी को रिप्लेस किया था डब्ल्यू के साथ नाइनटीन में ये चीज आपको याद रखनी है इसका हेडक्वार्टर कहां पर है जिनेवा में तो वर्ल्ड बैंक का आई एम एफ का हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है बट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है जिनेवा में है ये चीज आपको याद रखनी है अगर हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सॉरी ये डब्ल्यू है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में तीन पार्ट्स आ जाते हैं एक तो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है जनरल काउंसिल है और डायरेक्टर जनरल इसमें भी होते हैं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का क्या काम होता है देखो जो मेंबर कंट्रीज होते हैं वो दो दो साल के बाद मिलते हैं और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है सुप्रीम डिसीजन है वो मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ही लेती है और इन्हीं का काम है यहीं पर डीजी जो है डायरेक्टर जनरल जो होंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के उसकी सिलेक्शन का प्रोसेस भी कॉन्फ्रेंस में ही होता है ठीक है? जनरल काउंसिल यहां पर वही रिस्पॉन्सिबल होती है फंक्शन तो क्या है इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इजिली ट्रेड हो, हो कोई बैरियर ना हो जैसे कोटा सिस्टम होता है जैसे टैरिफ लगाए जाते हैं ये सब ना हो इसको प्रमोट करना इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करना बैरियर को कम करना और कोई भी डिस्प्यूट होता है ट्रेड रिलेटेड उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम भी किसका होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का ये सब चीजें आपने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में याद रखनी है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट बैंक देखो इसको बैंक को बनाने का जो डेडिकेशन है वो किसकी थी चाइना की ये आपको याद रखना है चाइना ने इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट किया था क्यों किया था कि देखो वेस्ट की डोमिनेशन बहुत ही वर्ल्ड बैंक में यूएसए उसका पार्ट है अभी हम एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देखेंगे उसमें भी यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जापान का बट एशिया को प्रमोट करने के लिए एज अ बैंकिंग सेक्टर में तो चाइना ने एक बैंक जो है उसका आइडिया प्रपोज किया था जिस बैंक का नाम है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इसका काम क्या है लोन प्रोवाइड करना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एशिया पैसिफिक रीजन में एशिया और पैसिफिक का जो रीजन है वहां पर इसमें सबसे ज्यादा कोटा चाइना का है और दूसरे नंबर में कोटा किसका है इंडिया का है ये या आपको याद रखना है दो में स्टेब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है चाइना की कैपिटल बीजिंग में है ये चीज आपको याद रखनी है ठीक है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बैंक इज एशियन डेवलपमेंट बैंक देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एशिया पैसिफिक रीजन में लोन प्रोवाइड करता है ये एक रीजनल बैंक है इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी इसको स्टैब्लिश किया गया था नाइनटीन दिसंबर सिक्सटी में और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है फिलिपींस मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा शेयर किसका है जापान का जापान के बाद यूएस का है और आपको पता है जापान को एज ए एल माना जाता है वेस्टर्न नेशन का इसीलिए इसके काउंटर पार्ट में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को बनाया गया था तो यह चीज आपको याद रखनी है एक ब्रिक्स बैंक भी है देखो ब्रिक्स ब्रिक्स क्या है BRICS, है 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 एक एक ग्रुप ब्राजील रशिया इंडिया चा, चाइना और साउथ अफ्रीका का का उनका एक अपना बैंक बैंक जिस का नाम न्यू डेवलपमेंट बैंक इसका हेडक्वार्टर कहां पर है शंघाई चाइना में यहां पर इक्वल वोटिंग है जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक में भी कोटा सिस्टम है ना जैसे सबसे ज्यादा शेयर किसका है जापान का है देन यूएस का है बट ब्रिक्स में ऐसा नहीं है ब्रिक्स में जो पांचों मेंबर नेशन है हर एक का इक्वल जो है वोटिंग शेयर है ट्वेंटी ट्वेंटी परसेंट ये चीज़ आपको याद रखनी है इसी तरह और भी बहुत से बैंक हैं जैसे अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक इसको भी आप याद रख सकते हो क्योंकि इंडिया इसका भी पार्ट है तो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है 1964 में ये बनाया गया था और इंडिया भी अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का पार्ट है ये भी चीज़ आप याद रख सकते हो फॉर योर एग्जाम तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम में इन ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड पूछी जा सकती हैं क्यों क्योंकि ये इन ऑर्गेनाइजेशन का कहीं ना कहीं लिंक जो है वो इंडिया के साथ है इंडिया जो है इनका पार्ट है इसीलिए आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अभी मैंने आपको एक चीज यहां पर बताना जरूरी है देखो हमने पढ़ा वर्ल्ड बैंक की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है जो वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है ये एग्जाम में पूछा जाता है जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट इज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट बट आई एम एफ भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है वो कौन सी रिपोर्ट है जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कंट्रीज की कितनी है ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है आई एम एफ एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वर्ल्ड की इकोनॉमी किस तरह से चल रही है या कैसी फ्यूचर में होगी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो भी कौन पब्लिश करता है आई एम ए पब्लिश करता है ये चीज आपको याद रखनी है तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टूडेज लेक्चर अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लेलिस्ट में जाएं इंडियन इकोनमी के रिलेटेड हमने कंटेंट डाला हुआ है बहुत से लेक्चर आए हैं उन लेक्चर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस ग्रुप में ज्वाइन करें पीडीएफ वहीं शेयर करते हैं प्लस कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो तो उस चैनल में हम शेयर करते हैं वहां पर हम आपको क्विज भी कंडक्ट करवाते हैं आपका प्लस न्यूज पेपर भी डेली हम शेयर करते हैं अगर आप जेके एस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट में डिफरेंट सीरीज जो है जी के लिए वो बनी हुई है बहुत जल्दी सी का कोर्स भी आपके लिए स्टार्ट किया जाएगा सब फ्री है आप उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी सेंट्र लेवल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप प्ले में जाकर जरूर उसको एक्सेस करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग